Just move through it, did they not go? I'm waiting for you, I'm waiting for you, I'm waiting for you, waiting for you. Cada paso dimen, y cada paro con amodía. Pero la que da en merisa gente, pero con amodía. So welcome back to the channel. आप देख रहे हो प्रवि सिंह की एक और नई वीडियो। सो आज हम आए हैं ऑटो क्लासिक कार एसेसरी जो कि अपना करोल बाग में है। हमारे साथ भाई, भाई नाम बताइए अपना। ये मेरा नाम दीपक है। दीपक भाई हमारे साथ है। आज हमारी गाड़ी रहने वाली है न्यू 2024 महिंद्रा 300 बिल्कुल। ये बेस मॉडल आया था? बेस मॉडल आया था भैया। भाई बेस तो लग ही नहीं रहा भैया, टॉप बना दिया ना इसको। हाँ बिल्कुल टॉप। जो जो चीज बोलोगे वो सारी चीजें इसके अंदर जो नेसेसरी होती है वो भी लगी है। हाँ। और बढ़िया जो मॉडिफिकेशन होती है पॉकेट फ्रेंडली वो भी हुई है इसके अंदर। मतलब बेस टू टॉप कर दी गाड़ी पूरी। प्रॉपर हो गया इसके अंदर। सनरूफ आती है इसमें? सनरूफ नहीं आती भैया, इसके दो मॉडल ऊपर आती है सनरूफ। ये दूर से लग रही है वैसे सनरूफ लगी हुई है। रैपिंग हुई है वो भी बताएंगे डीप में। अच्छा हुई हुई है। हाँ चलो भाई फ्रंट से बात कर लेते हैं। गाड़ी में फ्रंट में क्या क्या चेंज भैया? फ्रंट फेस में सबसे पहले हमने इसके अंदर फॉगलाइट लगा दिए जो महिंद्रा के ओरिजिनल रहते हैं, और अच्छा। हेडलाइट में हमने लगा दी एलईडी। किसी भाई को अगर फॉगलाइट में प्रोजेक्टर लगवाना तो प्रोजेक्टर भी लगवा सकते हैं, या अपना नॉर्मल मिंडा लगवा करके एलईडी भी डलवा सकते हैं। यार ये तो मारुति जैसी नहीं लग रही फॉगलाइट। भैया महिंद्रा के ओरिजिनल है, महिंद्रा के पार्ट नंबर के साथ दूंगा, महिंद्रा के बॉक्स पैकिंग में दूंगा। ओके। मारुति के स्कैम से आप बचो जो मार्केट में होता है। ठीक है भैया। हेडलाइट में हमने एलईडी लगा दी 220 वॉट की। अगर रिस्पॉन्स की बात करूं मैं आपको रिस्पॉन्स एक बार चेक करा देता हूं इसका। ये हमारी हेडलाइट हो गई येलो बीम और हाई बीम। ज्यादा ऊपर नहीं होगी यार भैया? इसकी हेडलाइट उसी हिसाब से डिजाइन की गई है ना। अच्छा। हाँ मतलब सेम हो गया ऊपर नीचे। सेम हो गया, वाइट एलईडी, वाइट सेगमेंट हो गया। उसके बाद बात करें इसमें हमने 360 कैमरा लगाया है। अच्छा। जो हमारा ब्लॉपंग कंपनी का रहने वाला है। ओके। जैसे हमने पीछे वाली वीडियो में हाँ प्रीवियस वीडियो में भी आपको ब्लॉपंग का ही मिला था। क्लैरिटी अच्छी है इसकी। क्लैरिटी अच्छी है ब्लॉपंग के कैमरे की, चाहे फर्स्ट साइड व्यू देख लो, चाहे फ्रंट व्यू देख लो, चाहे कुछ भी देख लो। हाँ। फ्रंट फेस से ये काम हुआ है। बात करते हैं साइड प्रोफाइल में। ओके। साइड प्रोफाइल में, साइड प्रोफाइल में सबसे मेन भैया 16 इंच के अलॉय व्हील। ओके। जो पिछली गाड़ी आई थी उसमें अलॉय व्हील कंपनी से लगे थे। हाँ। और ये 16 इंच के अलॉय व्हील हमने लगाए जो ओरिजिनल डायमंड कट, और कैलिपर हमने कर दिया इसके साथ पेंट। बिल्कुल। हाँ जी भैया। तो ये कैप दूसरी लगा दी भैया? 16 इंच भी मिल जाएगा, 17 इंच भी मिल जाएगी। कैप की बात कर रहा हूँ मैं। कैप भैया ओरिजिनल लेने वाली है मारुति की जो आती है। मारुति वाले लोगों की? मारुति महिंद्रा की, सॉरी। अब मारुति निकल गया। तितली वाला लोगो रहने वाला। किसी भाई को 17 भी मिल जाएगा, 16 भी मिल जाएगा। ठीक है भाई। हाँ जी भैया। क्या हो रहा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं कंफ्यूज वाली बात नहीं है। ठीक है। बाकी साइड मिरर चाहिए किसी भाई को महिंद्रा के तो साइड मिरर मिल जाएंगे 300 के। बाकी इस गाड़ी में साइड मिरर चेंज नहीं हुआ। साइड मिरर की बात करूं 7,500 रुपए में साइड मिरर आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हो। भाई सही है वैसे, साइड मिरर तो लग ही ना चेंज हुआ है। बिल्कुल। इंडिकेटर पहले से लग के आता है, जैसे अगर आप साइड मिरर चेंज करवाओगे तो आपको अंदर स्विच मिल जाएगा। अच्छा। लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाएगा, अभी एडजस्टेबल है, बाकी एक स्विच मिल जाएगा आपको। अच्छा ठीक है। हाँ जी। चलो इतनी क्या नीड है। बिल्कुल। ये पियानो ब्लैक अंदर पहले से आता है? नहीं हमने किया, बताएंगे। अच्छा। उसके बाद आप साइड व्यू का 360 देख सकते हो, ब्लॉपंग का रहने वाला है। चम कर रहा है यार अंदर तो। बिल्कुल भैया। अच्छा साइड, हाँ ब्लॉपंग का साइड मिरर लगा दिया, 360 लगा दिया हमने। ठीक है। रूफ पे हमने रैप कर दिया, डुअल टोन कर दिया, ब्लैक कलर की बॉडी थी, ग्रे कलर का रैप किया है। ठीक है भाई। जो पूरी बॉडी आपको स्पॉइलर तक मिलने वाली है। सही लग रही है वैसे तो। बिल्कुल भैया। एवरीडे एडिशन। हाँ एविडेंशियल सीरीज की रहने वाली है। रूफ रेल हमने इसके अंदर लगा दी पेस्टिंग वाले। ओके। और स्पॉइलर लगा दी हमने इसके ऊपर पेस्टिंग वाले। अभी पीछे आएंगे, पहले साइड प्रोफाइल तो खत्म करो। एक साइड फुटरेज भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया भैया। चढ़ के दिखाओ पहले। ये लो। ओए नीचे आ गया भाई। नहीं नहीं आ जाएगा तो भैया दोबारा चेंज करके दे दूंगा साइड फुटरेज अगर नीचे आ जाएगा तो। यार इससे तो लग रहा है नीचे की वो कम होगी। ग्राउंड क्लियरेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा आपकी गाड़ी पे अगर आप अपने वो लगवाओगे तो। ठीक है भाई। हाँ जी भैया। बढ़िया। एक और भाई अपने होते हैं क्रोम वाले हैंडल भी लगवा सकते हो आप। ये भैया को ना क्रोम का वर्क करवाना नहीं था। अच्छा। इसलिए डोर वाइजर भी नहीं लगे, लोअर गार्निश भी नहीं लगा, और मतलब नीड नहीं थी। नीड नहीं थी। डोर वाइजर तो लगा ही देते। प्योर ब्लैक लगवानी थी गाड़ी। बहुत सही तो थी, प्योर ब्लैक डोर वाइजर लगाते भैया। नीड नहीं थी ना, अगर होती तो लगा देते। इसके बाद बात करें हम बैक प्रोफाइल में, सबसे मेन जो हमारा रहने वाला है टेल लाइट। बिल्कुल। 300 का कनेक्टिंग टेल लाइट 5,000 रुपए के अंदर आप अपनी गाड़ी पे इंस्टॉल करवा सकते हो बेस मॉडल से, पूरी बेस टू टॉप वर्क में। उसके बाद बात करें एक हमने सेफ्टी रियर गार्ड लगा दिया, बुल गार्ड है, बुल गार्ड लगा दिया। और बैक व्यू कैमरा आप देख सकते हो ब्लॉपंग का, जो ब्लॉपंग का रहने वाला है इसका। ठीक है भाई। पूरा जो 360 सेटअप था वो ब्लॉपंग का कैमरा था, बाकी स्टीरियो हमारा हाइपरसोनिक था इसके अंदर। टेल लाइट में वो नहीं बोलना फ्री भैया, जैसे बेस टू टॉप पूरा वर्क होगा तो आपका फ्री हो जाएगा, जैसे थोड़ी बहुत एसेसरी कम रही तो 5,000 रुपए में आपको टेल लाइट। पिछली वीडियो में बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ।
5000 की। ठीक है भाई, ऊपर एंटीना लगा दिया? एंटीना लगा दिया भैया, आफ्टर मार्केट वाला। ठीक है भाई, बिल्कुल। रियर वाइपर की नीड हो तो भैया, इसका भी पार्ट नहीं है, जैसे आएगा उसके बारे में अपडेट कर देंगे। ठीक है भाई, रियर वाइपर के लिए। एक बार चलो, डैम्पिंग कर दी? नहीं, डैम्पिंग नहीं भैया गाड़ी पे। खाली खाली, बिल्कुल भाई। तो भाई इंटीरियर की बात कर लें तो भैया, इंटीरियर में सबसे पहले आप डोर पैनल पे सॉफ्ट टच देख सकते हो, ये हमने लेदर रैपिंग किया है, सॉफ्ट टच कुछ नहीं के साथ, डबल स्टिचिंग दे दी। उसके बाद ये जो पावर विंडो वाले पार्ट है, हाँ, ये पूरे ही पार्ट चेंज है, कोई हाइड्रोडिप नहीं, कोई ग्लॉस नहीं। आपको गाड़ी में जो उतरा हुआ पार्ट है वो भी दिखा देंगे। ओके। और ये पूरा रिप्लेसमेंट पार्ट रहने वाला है। एक बार दिखाई दो भाई, ये लो। इतना चमचम कैसे कर रहा है यार, पार्ट की तो वीडियो आई नहीं अभी तक। भैया पार्ट की वीडियो दिखाएंगे जल्दी। दिखाओगे? हाँ, ये देखो, ये इनर हैंडल जो इसके चेंज हुए चारों। ठीक है, अच्छा। ये नहीं कि कोई सेम पार्ट पे हमने हाइड्रोडिप कर दिया या कुछ भी लगा दिए। हाँ। पार्ट ओरिजिनल महिंद्रा के चेंज करके दूंगा, चाहे आप इनर हैंडल की बात कर लो या हाँ। आप अपने पावर विंडो पियानो की बात कर लो। ठीक है भाई। हाँ जी, पार्सल ट्रे डाल दिया? पार्सल ट्रे हमने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, ये कौन सी डाल दी तुमने? महिंद्रा की ओरिजिनल जो आती है, बलेरो की, 3XO की भैया। अच्छा अच्छा, बाकी इनर हैंडल की बात करोगे, 300 की इनर हैंडल भी आप चेक कर सकते हो। 300 के तो 300 की नहीं, 3XO की प्रॉपर। ओ भाई, ये भी बड़ा शानदार लग रहा है। बिल्कुल ठीक है भाई, बढ़िया, सही है यार, चमचम। ये सारे इसमें, ये भी अच्छा, ये तो आते ही होंगे। स्विच पहले से आता है। ठीक है, ये पावर विंडो जो पियानो होती है ना चारों प्लेट, ये हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। ठीक है भाई। हां जी, लाइट नहीं जल रही? जल रही, जल रही, आगे नहीं जलती। बिल्कुल ठीक है भाई। अंदर बात कर लें तो भैया, सबसे पहले हमने इसके अंदर मैट हमने इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, 12D मैट रहने वाले, कस्टम फिट आप पूरे मैट रहेंगे, S2S फिटिंग रहने वाली, आपकी जो बॉटम रहने वाली है पूरी कवर्ड रहने वाली है। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ ठीक है। और ये वेलक्रो वाला सिस्टम रहता है, आप निकालो। लॉक वाला नहीं रहता? लॉक वाला नहीं रहता भैया, लॉक टूट जाता है फिर उसको रिप्लेस करवाना पड़ता है। ये वेलक्रो वाला सिस्टम है, गन या फिर मैट ही नया? हाँ, मैट नया मिलता है। बिल्कुल। उस पे आपको क्या, इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये रिप्लेस हो जाता है, ये जो वेलक्रो वाला सिस्टम है, निकालो, झाड़ दो, दोबारा लगा दो, अगर फट जाए तो चेंज करवा लो। ठीक है, वेलक्रो है? हाँ जी भैया। ठीक है, एसी वेंट? एसी वेंट तो भैया कंपनी फिटेड ऐसे ही आता है इसकी। अच्छा, इसकी मैच होगी इसके साथ ना, प्रॉपर मैचिंग होगी। ठीक है, स्टीयरिंग की बात कर लें तो भैया, प्रीवियस वीडियो में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं देखने को मिला था। ओके। इसमें हमने स्टीयरिंग कंट्रोल लगा दिया, वो पियानो फिनिश में। ओके। मैट में नहीं है, सिल्वर में नहीं है, वो चीज नहीं है। ठीक इस है। तरफ वाला किसी को लगवाना, राइट हैंड साइड वाला भी मिल जाएगा, लेकिन ये डम्मी रहेगा। अच्छा, लेफ्ट साइड वाला आपका सिस्टम के साथ वर्किंग रहेगा, और ये लेफ्ट वाला राइट वाला आपका डम्मी रहेगा। डम्मी रहेगा, पर लाइट तो जलेगी? लाइट जलेगी। ठीक है, हमने इसमें स्टीयरिंग रैप कर दिया पियानो ब्लैक में, डुअल कंट्रास्ट बोलोगे जिसको आप, पियानो ब्लैक में स्टीयरिंग रैप, मतलब ब्लैक में कर दिया, मैट ब्लैक में, मैट ब्लैक में। हाँ, एक हमारा परफोरेटेड हो गया और दूसरा हमारा नॉर्मल जो फैब्रिक आता है वो। बिल्कुल भाई, बढ़िया। हाँ जी, ओके। रूफ रेल भी बड़ी मजबूत लगाई है, रूफ रेल की बात नहीं करी तुमने? सिलिकॉन से पेस्टिंग रूफ रेल है भैया, आफ्टर मार्केट वाली जो बताई थी, होती है पीछे से वो जो आ रहे भैया, ऐसे जेन्युइन नहीं होती, जेन्युइन होती है ड्रिल वाली। अच्छा, हाँ। लग तो जेन्युइन नहीं रही है। बिल्कुल ठीक है। तो सीट कवर की बात कर लें तो प्रीमियम यहाँ पे दे दिया है पूरा सीट कवर, सिंगल कलर का सीट कवर रहने वाला भैया। हाँ। परफोरेटेड रहने वाली, और पैडिंग वगैरह आप देख सकते हो, फोमिंग वगैरह आप देख सकते हो। परफोर रहने वाला बीच में सेंटर परफोर रहने वाला है। अच्छा, बंद है पर? हाँ, है ना? जैसे टॉप मॉडल का जो डिजाइन था, सेम डिजाइन बना है, सेम फैब्रिक के अंदर। ओके। लग्जरी सीट कवर जिसको आप बोलोगे, थाई सपोर्ट वाली बात कर लो, फोमिंग पैडिंग वगैरह आप चेक कर सकते हो। मतलब सारा इंटीरियर के साथ मैच हो गया ना? पूरा इंटीरियर मैच हो गया, जहाँ पे ब्लैक की नीड थी वहाँ पे ब्लैक की। ओके। जहाँ पे हमारा आइवरी इंटीरियर कलर रहता है वहाँ पे हमने आइवरी इंटीरियर। अच्छा लग रहा है यार ये ना। बिल्कुल भैया, खिल करके नजर आ रहा है। बिल्कुल भाई, साइड में एयरबैग की कटिंग, एयरबैग की कटिंग हो गई प्रॉपर साइड में। बिल्कुल भाई, और डबल स्टिचिंग इधर भी और इधर भी। किसी भाई को अगर ये एयरबैग कवर्ड करवाने अपने, तो कवर्ड भी हो जाएंगे। उसके लिए पीछे हमारा चैन सिस्टम रहता है। अच्छा, उस चैन के थ्रू आपके एयरबैग अगर कभी नीड पड़ती है तो प्रेशर से बाहर आता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ जी भैया, उधर से आओ एक बार। ठीक तो भाई, पीछे की मैं आपको फिटिंग दिखाता हूँ, सीट कवर की पीछे की फिटिंग कैसे रहने वाली है। भैया ये कवर कौन से, मतलब कौन सी कंपनी का लगा दिए? भैया हमने अपनी फैक्ट्री का लगाए इसमें। नहीं नहीं, ब्रांड बताओ, फैक्ट्री का सभी लगाते हैं। ऑटो क्लासिक। अरे ब्रांड ये ब्रांड नहीं, मान लो सीट कवर के अंदर जैसे आप फिट और फिनिशिंग देखते हो। अच्छा। हाँ जी, और अपना कस्टमाइज डिजाइन बनवा सकते हो, सबसे मेन ये होता है। अगर गाड़ी किसी को पीपीएफ करानी हो तो? पीपीएफ भी हो जाएगा भैया अपने पास। कहाँ पे हो जाएगा? ये अपना दूसरा आउटलेट, ऑटो लग्जरीज कस्टम। कस्टम
चलो भाई ठीक है, बढ़िया। अगर किसी को भाई अपनी पीपीएफ करानी है, रैप रूप करानी है, तो वहाँ पे आप रैप भी हो जाएगा, पीपीएफ भी हो जाएगा, हेवी से हेवी म्यूजिक सेटअप भी हो जाएगा उस जगह पे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो भाई देख सकते हो आमरेज इसके अंदर नहीं आता, 60-40 सीट आ जाती है। बिल्कुल भैया, ठीक है। और सीट के पीछे आपको कारपेट मिलने वाला, पूरा कवर्ड। अच्छा, हाँ ठीक है, पूरा कवर्ड मिलने वाला। अपना यहाँ से लगा दिया, चिप्पी मार दी, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज नहीं होगी। पैसे कहीं पे भी नहीं छोड़ रखे, बिल्कुल एक्यूरेट कर रखे है ना काम। बिल्कुल भैया, चेन वाला सिस्टम रहने वाला है हेडरेस्ट के अंदर। बिल्कुल। एक बार आगे की बात कर ले तो सीट कवर की, तो भाई सीट कवर इधर भी देख लो या उधर भी देख लो, सेम ही मिलने वाली है फिटिंग, है ना भाई। हाँ भैया, भाई को गर्मी बड़ी लगती है। बिल्कुल मेरे भाई, मोटा है ना इस करके तो ऊपर ये क्या लगा दिया भैया? सनग्लास शोल्डर लगा दिया। ठीक है, जो सिंगल टैप का ओपन ओरिजिनल, ओरिजिनल जो रहने वाला है व्हाइट एलईडी के साथ। ये हाथ मार दिए तुमने काले का भैया, वो पूरी सफाई होगी इस चीज के भी, कर दोगे ना? बिल्कुल साफ करके देंगे भैया, सर्फ सर्फ लगा के, सर्फ लगा के नहीं, फोम क्लीनर से साफ करके देंगे। उसके बाद पीछे भी हमने व्हाइट एलईडी कर दी। ये ज्यादा तेज है, फ्रंट वाली ओरिजिनल है। अच्छा 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 अच्छा, भाई सही लग रही है यार ये तो, ओरिजिनल सितारे लगा दिए, क्या बात है, सनरूफ का भी है भाई। ठीक है भाई, बढ़िया, बिल्कुल भैया, ओके। तो भाई ये अपना स्क्रीन हाइपरसोनिक, सेम हाइपरसोनिक लगी है भैया। ओके भाई, क्लैरिटी तो इसकी भी सही है, 432। वो कौन सा लगाया था हमने? बिल्कुल एजिस जमाइका। अच्छा, जो बिल्कुल स्टीरियो फ्रेम से बाहर, जो सिस्टम आप लगवाना चाहते हो अपने हिसाब से कस्टमाइज मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। ठीक है, हमारे पे ऐसा सिस्टम नहीं कि जिसमें हमारे को मार्जिन होगा, पहले हम वो देंगे। भाई क्लैरिटी देखो पीछे की, कितनी सॉफ्ट, ये बैक की आ गई, ये पूरी हमारी ओवरऑल क्लैरिटी आ गई। ठीक है, हाँ भैया, ठीक है भाई, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से ये 360 वाला मॉडल रहने वाला है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों मिल जाता है। बिल्कुल, 360 की कैलिब्रेशन की बात करोगे, प्रॉपर कैलिब्रेटेड रहने वाली है, हमारा 3D भी हो गया कुछ। ये तो अपने दीपक भाई कर लेते हैं ना। बिल्कुल भैया, कैलिब्रेशन अपने आज से चेक करके देंगे, जैसे भी करके देंगे। बिल्कुल भाई, तसल्ली पूरी है ना, तसल्ली पूरी करवा के देंगे। अब ये गाड़ी जैसे रुड़की से आई थी, हाँ। दोबारा भैया अगर मान लो जल्दी तो चक्कर लगेगा नहीं, उसके चलते हमने इसको पूरी अच्छे से जो भी होता है वो सब चीज चेक करके दिया हमने। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ। तो भाई फ्रेम भी आपका पियानो ब्लैक रहने, पियानो ब्लैक फ्रेम, पूरा ही पियानो पियानो कर दिया है। ये तो भैया देखो कंपनी फिटेड है। ओके। ये सेंटर कंसोल वाला, ठीक है, ये हमने पियानो फ्रेम लगा करके स्टीरियो लगा दिया। ठीक है, इसके बाद बात करो ये आर्मरेस्ट ब्लैक कलर का आता है, इसके हमने जो सीट कवर लगाए थे उससे मिलते जुलते हमने आर्मरेस्ट लगा दिए। फॉर्मिंग इसमें भी आपको मिलने वाली, अगर आप लॉन्ग टर्म रूट ड्राइव करोगे तो आपके हाथ पे आपको मिलेगी सहूलियत। फिटिंग तो दिखाओ एक बार, वो सॉफ्ट है यार। ठीक है, ये एक तीन पेज कहाँ के छोड़ दिए भैया? तीन पेज जो सिस्टम का डम्मी उतरता है ना उसके होते हैं ये, छोड़ दिए कहीं से भैया? मेरे गाड़ी चलेगी खटखट की आवाज मारेगी, दोबारा आ जाना। हाँ दोबारा आएंगे वहाँ, वो दिक्कत आएगी नहीं, हमारे को पता है ना वो सिस्टम जो उतरता है डम्मी उसमें के भाई। सबसे बढ़िया मेरे को लग रहा है ये चीज, भाई साहब ओके रिपोर्ट है ये। और 360 360 तो है ही यार अपना, पर गेट वाला जो है ना ये ओपनर, ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसके साथ पावर विंडो पियानो हो गया, स्विच अपना कंपनी फिट आता है। बिल्कुल, सॉफ्ट टच इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर दिया। बिल्कुल भाई, पैडिंग आप देख सकते हो यार, गजब की लग रही है। मैंने सोचा तुमने करी है तो फिर मैं अपना देता हूँ। बिल्कुल, यही करके दो, सेम टू सेम। बिल्कुल, बाहर से ऐसे सब हो जाएगा, ऐसी फिनिशिंग आ जाएगी, सब चीज आ जाएगी। हाइड्रो टिप में वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी जो ओरिजिनल की है। गाड़ी में इतना ही काम था, तो भाई क्या बजट लेकर आया बंदा? भैया देखो बेसिक मॉडिफिकेशन जो होती है 40-50 से स्टार्ट हो जाती है। हाँ बिल्कुल, बाकी अगर अच्छी मॉडिफिकेशन कराते हो तो 1.25 लाख के आसपास की आपकी कॉस्टिंग पड़ जाती है। ओके, जिसके अंदर आपको इंटीरियर भी मिल जाता है, अलॉय व्हील भी मिल जाते हैं और 360 भी मिल जाता है। बिल्कुल भाई, सनग्लास होल्डर पिछली गाड़ी में हमने दिखाया नहीं था और स्टीयरिंग कंट्रोल दिखाया नहीं था। हाँ बिल्कुल, अभी हमने वो आपको चेक करवा दिया और अच्छा खासा स्टॉक में माल रेडी है अपने पास। ये तो स्कॉर्पियो के लग रहे हैं मेरे को, स्कॉर्पियो के नहीं 3XO के, स्कॉर्पियो के दूसरे आते हैं वो छोटे छोटे आते हैं, इससे भी मिलते जुलते हैं सारे। हाँ मिलते जुलते हैं। किसी भाई को अपने लेफ्ट के साथ साथ राइट का लगवाना है वो भी हो जाएगा। और अगर बात करें सनग्लास होल्डर की, हाँ। तो 3000 रुपए में सनग्लास होल्डर ले जाओ। ओके, टेल लाइट 5000 रुपए में ले जाओ, 7500 रुपए में अपने साइड मिरर ले जाओ, 2000 रुपए के अंदर आप अपना फॉग लाइट लगवा सकते हो अपनी गाड़ी में, 1000 रुपए में पावर विंडो लगवा सकते हो। ओके, और 1500 रुपए में इनर हैंडल भी इंस्टॉल करवा सकते हो। चलो भाई ठीक है, बढ़िया हो गया सेटअप गाड़ी के अंदर। बिल्कुल, तो स्पीकर कौन से लगाए थे इसके अंदर भी? हमने JBL के कंपोनेंट डाले फ्रंट टू डोर में और रियर साइड JBL के कोएक्सल स्पीकर डाले। ठीक है, साउंड तो बढ़िया ही होगा, बढ़िया आउटपुट रहने वाला है। चलो भाई ठीक है, एक बार कस्टमर से मुलाकात कर लेते हैं, कैसा लगा काम।
हेलो भैया। हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया जी। आपका नाम? नाम वैभव। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ मुजफ्फरनगर के पास से। अच्छा, इतनी दूर से? हाँ। क्या बात है। तो मुलाकात कैसे होगी? आपकी वीडियो देखी थी इंटरनेट पे। अच्छा, यूट्यूब पे? हाँ। चलो भाई ठीक है, मतलब इसके रिगार्डिंग आए हो आप। हाँ ठीक है। और काम कैसा हो गया? काम सही हो गया, मज़ा आ गया। हाँ, अभी तो देखने में अच्छा लग रहा है। अब ड्यूरेबिलिटी बाकी बाद में बताएंगे कि कैसे रही कैसे नहीं। कोई दिक्कत परेशानी अभी ना? ना कुछ नहीं है। जितना भी पैसा लगाया पूरा वर्थ लगा? हाँ, अभी तो पेमेंट करनी है, बाकी वैसे वर्थ है। पहले वर्थ है ना। हाँ, ये तो लगा। हाँ नहीं, प्राइसिंग जो बताई प्राइसिंग वही थी। जितना पैसा लगाया मैंने आने से पहले एक दिन पहले इनसे एस्टिमेट बनवा लिया था कि भाई क्या एस्टिमेट बनेगा। ठीक है, तो उसी एस्टिमेट के आसपास ही है हम। अच्छा, वही हुआ काम? ऊपर नीचे तो नहीं हुआ? ना ना, कुछ जब बहुत ज़्यादा है कुछ। 5,000 की थी टेल लाइट? हाँ टेल लाइट। हाँ अभी ये फ्री होगी क्योंकि मैंने बेस्ट टॉप करवाया है। ऊपर अभी थोड़ा सा काम बाकी है, जब वो हो जाएगा तो सारा काम हो गया भाई। चलो देखते हो तो क्या रह गया फिर गाड़ी में भाई? अलॉय लग गया और क्या? सब कुछ हो गया भैया, अलॉय पे गाड़ी बेस मॉडल से टॉप नहीं होती ना। चलो एक डोर वाइजर लग जाएगा फिर फ्री हो जाएगी। ठीक है जी। चलो चलो भाई ठीक है। तो छोटी सी रेटिंग बता दो, 5 में से कितनी देना चाहोगे? 5 में से 5 है भाई। व्यवहार बहुत बढ़िया है, व्यवहार अच्छा है। आप कोई बात कहते हो वो बात समझ में आती है कि हाँ भाई कस्टमर क्यों कह रहा है ये बात, और वो आराम से उसका जवाब आराम से शांति से वो अच्छा है। तसल्ली हो जाता है? हाँ, तसल्ली वाली बात जो ये हो तो कहीं भी जाएगी गाड़ी, एक तसल्ली ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ भाई बंदा जो है वो ठीक है, वो ठीक काम कर बता देगा। और हाइड्रो डिपिंग ये सही है? हाइड्रो डिपिंग कहाँ कर रहा है ये? क्या कहते हैं हाइड्रो डिपिंग? क्या कहते हैं पेंट वाले जो है पूरा जो पार्ट होता है महिंद्रा का, एक एक चीज डब्बे में से उतार करके वो दिया है, वो दिया है। हाइड्रो डिप कुछ नहीं है आपको गाड़ी के अंदर मिलने वाला? हाइड्रो डिप कुछ नहीं है। अच्छा, हाइड्रो डिपिंग कुछ नहीं करा? और फोगलेट वो लगा दी ना मारुति वाली? नहीं नहीं नहीं, महिंद्रा की लगाई है। पक्का? अब ये तो बता रहे हैं। डब्बा भी आपके सामने ओपन करके दूंगा। अच्छा, पता नहीं मैं मारुति सी लग रही है। मारुति टाटा महिंद्रा की है? फिर वीडियो एंड ठीक है जी। रुक जाओ, माइक तो आपके पास ही है, रुक जाओ। दीपक भाई बताइए अपना एड्रेस। भैया हमारी शॉप पड़ती है करोल बाग के अंदर, ऑटो क्लासिक के नाम से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला है 7678687763। एक बार रिपीट कर दो, 7678687763। करते हैं भैया वीडियो एंड? ठीक है, तो भाई करते हैं फिर वीडियो एंड। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ओके, टिल देन बाय। चंगा जी।